अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी। मैं गुलजार साहब। मैं तारिक। मैं तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है अफगानिस्तान हम्यूलेटेड पाकिस्तान इन इंडिया क्रिकेट विल डेडिकेटेड टू अफगान रिफ्यूजी। तो भाई मैन ऑफ द मैच जो बने हैं, उन्होंने अपनी जो जीत है उसको अफगान रिफ्यूजी को डेडिकेट कर दिया। तो देखते हैं वीडियो, बात करते हैं वीडियो और अपना रिव्यू पर देंगे। कौन करते हैं 3-2-1 वीडियो स्टार्ट। वेलकम यू ऑल वर्ल्ड अफेयर्स, मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ जैसे आप सब लोग जानते हैं कि भारत होस्ट कर रहा है क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का, और इस क्रिकेट वर्ल्ड कप में रिसेंटली एक मैच हुआ अफगानिस्तान वर्सेस पाकिस्तान का, और इससे रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे वी आर हर्ट, पाकिस्तान के कैप्टन ने कहा है कि जेन्युइनली हमें चोट पहुंची है इस लॉस की वजह से, और उसके अलावा वेरियस टाइप के आर्टिकल्स यहाँ पर पब्लिश हुए हैं कि हिस्टोरिक विक्ट्री अफगानिस्तान की पहली बार है, ओडीआई क्रिकेट के इतिहास में पहली बार है जब इन्होंने पाकिस्तान को हराया है, और हराया भी कहां पर है, इंडिया की जमीन पर। नाउ ये सब बातें काफी हद तक नॉर्मल थी। ये जीत बहुत ज्यादा स्पेशल तब बन गई जब अफगानिस्तान क्रिकेट टीम की तरफ से जो मैन ऑफ द मैच थे, ये मैच अफगानिस्तान ने जीता तो जो मैन ऑफ द मैच थे ये अफगानिस्तान की टीम से थे, इन्होंने ये कह दिया कि ये जो जीत मेरी हुई है ना, ये मैं डेडिकेट करता हूं उन अफगान रेफ्यूजीज को जिन्हें पाकिस्तान से बाहर भेजा जा रहा है। और इंटरेस्टिंग बात देखिए, इनसे एक्चुअली सवाल जवाब कर रहे थे रमीज राजा, जो इससे पहले पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे। उन्होंने एक सवाल पूछा इब्राहिम से, जैसे ही इनका ये जवाब आया ना अफगान रेफ्यूजी वाला, रमीज राजा भी बिल्कुल चुप हो गए। और तब से आप देख रहे हो लगातार इस टॉपिक पर बहुत आर्टिकल पब्लिश हुए हैं कि अफगान रेफ्यूजीज की प्रॉब्लम क्या है, क्या इशू है यहाँ पर, कि जिसको लेकर अफगानिस्तानी प्लेयर्स ने भी जीत के बाद इसी टॉपिक को हाईलाइट करना सही समझा। तो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि ना सिर्फ अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम, इवन यूएस पाकिस्तान को क्यों कह रहा है कि अफगानिस्तान के जो रेफ्यूजीज हैं इनको एक्सेप्ट कर लो। बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि DRS डिसीजन रिव्यू सिस्टम, ये आजकल काफी न्यूज में रहता है बिकॉज ऑफ क्रिकेट वर्ल्ड कप। आपको बताना है कि ये गेम ऑफ क्रिकेट में इंट्रोड्यूस किस साल में किया गया था। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन 2015, 1999, 2008 या फिर 2019। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। ऑलराइट, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे ये है एशिया का मैप और ये है हमारा प्यारा भारत, और यहाँ पर आप देख पाओगे अफगानिस्तान। नाउ अफगानिस्तान में अगर मैं आपसे पूछूं कि सिचुएशन खराब कब से चल रही है, तो हो सकता है आप ऐसे कुछ लोग कहे कि जब से तालिबान ने टेक ओवर कर लिया है, यूएस ने पुल आउट कर लिया है, सिचुएशन काफ़ी ख़राब है, बट ये सही आंसर नहीं होगा। अफगानिस्तान देखिए वो एक अनफॉर्चुनेट कंट्री है जहां पर 1979 से लगातार प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि ये वो साल था जब यूएसएसआर ने ये कंट्री कब्जा लिया था, उसके बाद तालिबान को यूएसए ने खड़ा किया, फिर तालिबान का कब्जा आया, फिर यूएसए ने कब्जा लिया कंट्री। तो लगातार मैं कहूंगा 1979 से लेकर अब तक इस कंट्री में वॉयलेंस ही चल रहा है, और जब एक कंट्री में बड़े स्केल पर वॉयलेंस होता है, सिचुएशन खराब होती है, तो उस कंट्री से निकलते हैं बहुत सारे रेफ्यूजी। यूक्रेन से आज के समय निकल रहे हैं रेफ्यूजी, वो जा रहे हैं पोलैंड में, बाकी कंट्रीज में। सेम हुआ था अफगानिस्तान के साथ इन द ईयर 1979 से लेकर 2001 के बीच में 40 लाख से ऊपर, जी हाँ 40 लाख से ऊपर अफगान्स ने अपना कंट्री छोड़कर इन्होंने रेफ्यूज सीख किया पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान बिल्कुल पास में पड़ता है इनके। कुछ ईरान की तरफ भी गए थे, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ की तरफ इतना गए नहीं, ज़्यादातर जो रेफ्यूजीज़ हैं ये चले गए उस टाइम पाकिस्तान में। और ये एक बहुत बड़ी माइग्रेशन, क्योंकि अफगानिस्तान की टोटल आबादी ही आप अगर देखो तो 4 करोड़ के आसपास है, 4 करोड़ की आबादी, और आपके 40 लाख से ऊपर पॉपुलेशन देश छोड़ के भाग जाती है, दैट इज अ ह्यूज नंबर। नाउ 2001 के बाद से धीरे धीरे हमने ये भी ट्रेंड देखा है कि कई लाखों अफगान जो रेफ्यूजी थे ये पाकिस्तान से वापस भी गए हैं, मगर आज भी लाखों अफगान हैं जो पाकिस्तान में ही हैं। अब इनका एग्जैक्ट नंबर क्या है इसके बारे में कुछ क्लैरिटी है नहीं। यूएन काफी बार कहता है कि जी टोटल जो अफगान रेफ्यूजी हैं पाकिस्तान में ये 13 लाख के आसपास है, मगर फिर ये भी ऐड करते हैं कि ये तो हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो फॉर्मली रजिस्टर्ड हैं एज ए रेफ्यूजी, जो इनफॉर्मली आ गए, बस बॉर्डर टाप के आ गए, पाकिस्तान में एंटर हो गए। उनके नंबर्स आप अगर देखो तो आपको आज भी 35-36 लाख के आसपास मिलेंगे। तो 35-36 लाख एक बड़ा आंकड़ा होता है, बहुत सारे लोग हैं ये। नाउ पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक डिसीजन लिया, इन्होंने ये कहा कि नवंबर तक, जी हाँ इसी साल के नवंबर तक,
ये अफगानिस्तान के जो भी असाइलम सीकर जो आ रखे हैं पाकिस्तान में, इनको निकाल देंगे और वापस इनको भेज देंगे अफगानिस्तान में। अब यहाँ पे आप कहोगे अचानक से पाकिस्तान की सरकार को क्या हो गया, रेफ्यूजी सीकर्स को ये फैक्ट क्यों रहे हैं? वेल, इसका रीजन पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने बताया है कि आतंकवादी हमले बहुत ज़रा बढ़ गए हैं पाकिस्तान में, कई इनोसेंट लोग पाकिस्तान में मारे जा रहे हैं, और काफ़ी बार जो ये आतंकवादी ये अटैक्स करते हैं ये जो अफगान रेफ्यूजी कम्युनिटी है उनमें छुपे रहते हैं, तो इसलिए इनका ये मानना है कि इन रेफ्यूजीज़ को बाहर फेंकने का टाइम आ चुका है। नाउ आप अफगान रेफ्यूजी के पर्सपेक्टिव से देखो, उनको गुस्सा आता है पाकिस्तान पे, क्योंकि जो भी अफगानिस्तान में हालत हुई है उसकी एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है पाकिस्तान पर। ये बात तो आप मानेंगे, यूएसएसआर जब आ गया था अफगानिस्तान में, उसके बाद तालिबान को खड़ा करने में पाकिस्तान का क्रिटिकल रोल, ओसामा बिन लादेन जैसा आतंकवादी जिसको ढूंढने के लिए यूएसए ने अफगानिस्तान पर पता नहीं कितने बॉम्ब गिरा दिए, उस आतंकवादी को शांति से पाकिस्तान ने रखा हुआ था। तो अफगान्स का ये मानना है कि पाकिस्तान ने पहले तो इनका जो कंट्री है ये बर्बाद कर दिया अपनी पॉलिसीज से, और अब इनके लोग जो सेफ्टी के लिए इनके कंट्री में पाकिस्तान के बलूचिस्तान एरिया में केपीके के आसपास रह रहे हैं, उनको भी ये कह रहे हैं कि वापस भेज दो अफगानिस्तान में। तो इस वजह से देखो पाकिस्तान के अगेंस्ट अफगानिस्तान का जो गुस्सा है ना ये बहुत ज़रा बढ़ गया था। अगेन, यहाँ पे इशू सिर्फ रेफ्यूजी के डिपोर्टेशन का नहीं है, इशू यहाँ पे उससे भी पुराना है, और ऑब्वियसली यहाँ पर एक ह्यूमन एंगल भी आता है। यूरोपियन यूनियन और यूएसए ने ओपनली पाकिस्तान की सरकार को कहा है कि जो अफगान माइग्रेंट्स को तुम वापस भेजोगे अफगानिस्तान में, ये कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, इसके बारे में सोचो, इनको जल्दी से अपने कंट्री से बाहर मत निकाल दो, लाखों लोग हैं, इनके साथ क्या होगा सोच कर देखो। तो पाकिस्तान ने अभी के लिए यूएसए की बातें सुनकर मैक्सिमम ये बात कही है कि हम फेज्ड और ऑर्डरली मैनर में अफगान माइग्रेंट्स को निकालेंगे, बट अभी तक पाकिस्तान ने यू टर्न नहीं लिया, इन्होंने ये नहीं कहा कि ऑल टुगेदर इस पूरे आइडिया को हम ड्रॉप कर देंगे। तो इसलिए ना, जब अफगानिस्तान और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच होना था चेन्नई में, पूरी दुनिया की इस पर नजर थी कि अफगान प्लेयर्स रिएक्ट कैसे करेंगे, क्योंकि मैं वैसे आपको बता दूं अफगानिस्तान क्रिकेट टीम की सक्सेस में पहली बात तो इंडिया का बड़ा हाथ रहा है। आपको पता होगा जब अफगानिस्तान के प्लेयर्स के पास एक होम स्टेडियम था नहीं, तब इंडिया में कई स्टेडियम्स में इनकी प्रैक्टिस होती थी। उसके अलावा जो मेन स्पॉन्सर है अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का, ये है अमूल, एक फेमस इंडियन ब्रांड। यहाँ पे आप देख पाओगे अमूल एक बड़ा स्पॉन्सर है अफगान क्रिकेट टीम का। उसके अलावा जो आज के समय असिस्टेंट कोच है अफगान क्रिकेट के, ये है अजय जडेजा। ये वैसे अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के साथ रिसेंटली जुड़े हैं वर्ल्ड कप से पहले। मेन कोच जो है अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के, ये हैं जोनाथन ट्रॉट, ये एक फॉर्मर इंग्लिश प्लेयर हैं। तो इसलिए पाकिस्तान अफगानिस्तान का जो मैच है ना, इसकी व्यूअरशिप बहुत ज़रा थी, क्योंकि पहली बात तो अफगानिस्तान को बड़ा सपोर्ट मिलता है इंडिया में, दूसरी बात अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में जो रेफ्यूजी का इशू है ये काफ़ी ज़रा हॉट था। और इन दी एंड हुआ क्या कि अफगानिस्तान ने बुरी तरीके से पाकिस्तान को हराया है। 8 विकेट से जब आप जीतते हैं तो ये एक कन्विंसिंग जीत मानी जाती है, आपने कंपटीशन को एलिमिनेट करके आराम से जीत लिया। और उसके बाद अब क्वेश्चन ये था कि क्या अफगानिस्तान के प्लेयर्स कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट देंगे जिस तरीके से पाकिस्तान के प्लेयर्स देते आए। ये हमने देखा है, मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान के विकेट कीपर, ये गाजा के लिए ट्वीट कर रहे थे, और बाकी जो बहुत सारे पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं उनको भी आप देखो तो फिलिस्तीन का जो फ्लैग है ये लहरा रहे थे। बाय द वे, ये फ्लैग लहराना आज के समय वेस्टर्न कंट्रीज में, कई वेस्टर्न कंट्रीज में बैन कर दिया जा चुका है। तो जब ये लोग पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे रहे थे तो कोई सरप्राइज की बात नहीं है कि अफगान प्लेयर्स भी जब जीते, इन्होंने भी कहा कि ठीक है मैं ये जीत डेडिकेट कर रहा हूँ टू द अफगान रेफ्यूजीज। और ये जो बात इन्होंने कही है ये बोली भी रमीज राजा को है, वो भी इनका जवाब सुन के बिल्कुल हिल गए थे, और पाकिस्तान में कई लोग गुस्सा हैं अफगान प्लेयर्स के इस रिएक्शन को लेकर। तो अभी देखिए, जो ये अफगान रेफ्यूजी का इशू है ये थमने वाला नहीं है, इसको लेकर मोस्ट प्रोबेबली तालिबान भी कुछ ना कुछ रिएक्शन देगा, यूएस भी इन द फ्यूचर पाकिस्तान पे और प्रेशर डालेगा। बट एक बात तो तय है कि इस क्रिकेट मैच की वजह से ना, जो ये इशू काफी हद तक लिमिटेड था अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में, इसके बारे में बाकी दुनिया को, जनरल ऑडियंस को भी काफी नॉलेज मिल चुकी है। नाउ फाइनली वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि DRS डिसीजन रिव्यू सिस्टम ये किस साल इंट्रोड्यूस किया गया था। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी, 2008 में। और आज के समय बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है मॉडर्न डे क्रिकेट का। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे SSC UPSC बैंक, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। कमेंट सेक्शन में जाइए, पिंड कमेंट में यहाँ पे आपको मिलेंगे लिंक। फॉर एग्जांपल, लेट्स से आपको प्रिपेयर करना है यूपीएससी के एग्जाम के लिए, तो यूपीएससी के लिंक पर यहाँ पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स। बट जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं, डोंट एवर पे दीज प्राइसेस, सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग एंड यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग।
मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। चले जी वीडियो खत्म हो गया। भाई साहब अफगानियों ने तो जो जीत हासिल की है ना भाई, वो वाकई हिस्टोरिक है और भाई बड़ी खुशी की बात है भाई। आठ विकेटों से जीतना, इस वर्ल्ड कप में उन्होंने ऐसी दो टीमों का हराया जो बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम है, पाकिस्तान और इंडिया, इंग्लैंड को। पाकिस्तान की तो एक ही अच्छे से निकाली ना भाई, उनकी टीम की बॉलिंग इतनी, उसने बोला मैंने जितने डेड बॉल हमने खेले जितनी बॉलें रोकी थी वो नहीं रोकनी थी, जितना स्लो हम खेल रहे हैं क्योंकि हम स्पिनर को अकॉर्ड के नहीं खेल पा रहे थे, इसकी वजह से हम हारे हैं, जो जितनी बॉलें डॉट बॉल हमने खेल दी है ना वो नहीं खेलनी थी। और ऊपर से शेन शाह की जो बॉलिंग आते ही जो इस तरह की उसने बॉलिंग की उसके ऊपर उसने कहा मुझे बहुत ज्यादा एतराज है कि उसने बॉल वो बॉल की ही नहीं जिस तरह की बॉल का वो जाना जाता है, क्योंकि सीधी बैट पे बॉल दे रहा ना वो पीछे ना आगे ना बाउंस ना यॉर्कर कुछ भी नहीं, लेकिन उसने कहा कि ये उनकी जीत है, उनकी ये मेहनत का नतीजा है, मैं इसको कबूल करता हूँ। उन्होंने हमें उस जगह पे हराया है वर्ल्ड कप के अंदर, वो भी इंडिया के अंदर हराया है, तो बहुत अच्छी उन्होंने मुबारकबाद उनको दी है। एक कैप्टन का यही हक बनता है, ये उसने ये भी बोला भी हम हर टाइम से हमें दुख तो है और दुख तो होगा ही भाई। और बाकी भाई इंडिया के बाद अगर पाकिस्तान की किसी से लगती है तो वो अफगानिस्तान के साथ लगती है, बिल्कुल पहले सिर्फ इंडिया के साथ थी, लेकिन हाँ अब जो है ना वो पाकिस्तानी टीम जो पब्लिक की बात करें तो उनका भी ज्यादा होता है कि भाई इंडिया से हार जाए दुख नहीं इतना अफगानिस्तान से नहीं आना। और वो थोड़ी सी बात इनकी है खुशी थी, जीतना था वो खुशी करनी हक ये जरूर देख रहा था। आज मैं तुझे ये भी बताऊंगा कि रजवान के नमाज पढ़ने पे इतराज अभी तक भी है ना, पहले मैं ये बता भूलना जाओ बांग्लादेश के महमूद खिलाड़ी उसने इसके अंदर सेंचुरी लगाई है, उसने भी सईदे दिया है मस्जिद नमाज पढ़ी है मतलब तो सईदा भी किया, उसके ऊपर अभी तक किसी इंडियन ने कमेंट भी नहीं किया, किसी ने ये भी नहीं बोला कि गलत है ना कोई रिएक्शन आया, सिर्फ रजवान के ऊपर आना रिएक्शन, इसका मतलब है कि इंडिया जो है ना वो अपने दिल में ना हर वक्त ही ये पाकिस्तान के खिलाफ भड़कते रहते हैं, कई मौके की तलाश में रहते हैं। मोइन अली है वो आशी मामला पढ़ते रहे इनको कभी नहीं भड़के ना कुछ करते, आईपीएल के अंदर कुछ नमान खिलाड़ी नमाज पढ़ते कभी भी इश्यू नहीं हुआ, सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर इश्यू नहीं करते, फिर कहते हैं हर वक्त पाकिस्तानी हमारे ऊपर भड़कते रहते हैं, ये कमेंट लिखते रहते हैं, इंडियन तो हद कर देते हैं। अब ये जो लड़का अच्छा खेला बैटिंग की अफगानिस्तान का उसका हक बनता था, उसने जो भी किया मैन ऑफ द मैच, लेकिन ये जेन में याद रखना था फलस्तीन में बेगुनाह छोटी छोटी बच्चियां बच्चे वो मारे जा रहे हैं, उनके ऊपर भी पहले लफ्ज बोल लेते बाद में कुछ करते अपने लिए भी बात करते, वो अपने लिए जरूरी नहीं है। मैं पहले क्या बोल रहा हूँ वो पहले अपने लिए बोलते अपने अपने क्या पाकिस्तान उनको गोलियों से मार रहे अफगानियों को भाई, उनको भगा तो रहे आप नहीं भगा नहीं रहे, इंसान का बच्चा बन के बात कर रहे, बंदे का बच्चा बन के बात कर, एक बंदा एक बंदे को सारी जिंदगी पनाह दे के रखता, उस वक्त पनाह दी थी जब इंडिया साथ में, चाइना साथ में, रशिया साथ में, कजाकिस्तान साथ में, ईरान साथ में, उस वक्त कभी किसी कंट्री ने उस वक्त किसी को पनाह नहीं पाई अफगानियों को दी थी, उस वक्त पाकिस्तान ने 1 करोड़ के ऊपर बंदों को पनाह दी थी जबकि अपनी कंट्री में खाने पीने के लाले उस दिन भी थे आज भी है, वो लड़का उस दिन भी पाकिस्तान ने पनाह दी थी, आज पाकिस्तान अगर निकाल रहा है ना तो इसीलिए निकाल रहा है कि हमारी जान के लाले पड़े, आज दिन धमाके हो रहे हैं, ये बात ये है कि हमने उनको इसीलिए निकाला कि आप भाई अब आपके मुल्क में हुकूमत आ गई प्रॉपर वो काम कर रही है सारी दुनिया के साथ कर रही है वो चल रही है, उसको कोई कुछ भी नहीं कह रहा आपका मुल्क ठीक है, हालात पाकिस्तान ने थोड़े आपको ठीक करके देने, आपने खुद आपकी हुकूमत ठीक करने अब आपने साथ देना है, अब आप वो उनको हम निकाल रहे हैं जो बंदे अनलीगल रह रहे उनको निकाल रहे हैं, क्यों वजह हमारी ये है कि हमें महसूस होता है इनमें से कई ऐसे जो दहशतगर्दी करवाते हो सकता है कि करके इनमें आ जाते हो, हम कैसे सभी को दहशतगर्द साबित कर दें,
इससे पहले कि हम सभी को दहशतगर्द साबित करें, हम इनको निकालते हैं अपनी कंट्री की तरफ। आप अब अपने मुल्क में जाएं भाई, मेहरबानी करके हमारे ऊपर ना गुस्सा भी ना करें। और ये किसी कंट्री में भी अगर होता नहीं इस तरह, तो इसी तरह ही होना था। इसी तरह अगर मुश्किल हालात होते ना, उन्होंने भी निकालना था। जो बिल्कुल जो जिसका कोई लिंक नहीं, वो अच्छे से रह रहा है, जो रह रहा ना, मुझे पूरे मुल्क के अंदर बता दे, दुनिया की कोई मुझे रिपोर्ट बता दे जो फैमिली अच्छी है, जिन जो क्लियर है, जिनके कार्ड बने हुए हैं, जिनके पासपोर्ट बने, अगर उन अफगानी को अगर निकाल रहे हो तो उनको हमारे आर्मी चीफ ने खुद बोला है कि मैं उन किसी को नहीं निकालूंगा जो फैमिली है मुकम्मल हो, दिन चार नस्लें बढ़ गई है, उनको नहीं निकाल रहे हम उनको निकाल रहे हैं जिनके ऊपर हमें शक शुबा था, या जो थोड़े से शक के दायरे में आ जाते हैं, या थोड़े से बॉर्डर की साइड पे रहते हैं, हम उनको सिर्फ निकाल रहे हैं। ये सारी दुनिया में रिपोर्ट जा रही है और ये गलत भी नहीं कर रहे, तू गलत समझ ले, लेकिन ये गलत नहीं है। जब मेरे घर में आग लगी हुई है, अगर ऊपर से भी आग बैठे हुए हैं, तो मैं मेरा हक बनता पहले अपने घर में देखना मेरे घर में मेरे खिलाफ कौन है, ठीक है। ये हमारा हक बनता किसको न मारा न पीटा न पैसे छीने न सोना छीना, हमने तो उनको क्या किया, उनकी फैमिली को पाला, उनको काम कारोबार दिया, बिजनेस दिया, उनको रहने की जगह दी, उनको इज्जत दी, इधर उनको पासपोर्ट शिनाधिकार बनवाए, उनका सब कुछ एहतराम से अपने मुल्क की तरह उनकी इज्जत की। तो हमने अभी जब निकाला है, अभी भी कोई बुरे लफ्जों में नहीं निकाला, ये लैंड एक वक्त दिया है कि इस महीने की पहली तारीख के भाई क्रीज कर आप रीजन है, नहीं नहीं कोई रीजन नहीं सर, ये डॉलर चाहते हैं भाई साहब। अच्छा इसका मतलब ये अमेरिका निकाल रहे थे मुश्किल घड़ी थी, मुश्किल वक्त था दुनिया में, कोई उनको पनाह देने का क्या नहीं, अगर पूरी दुनिया में कोई है ऐसी कंट्री उस वक्त अफगानियों को पनाह देने वाला, तो खड़ा होकर मुझे बताए कि हम पनाह देने के लिए तैयार थे, किसी ने पनाह नहीं दी थी। तू उस वक्त कह रहा है कि ये डॉलर के लिए पाकिस्तान ने पनाह दी थी, आज तू निकाल भी रहे, तू कह रहे पाकिस्तान डॉलर के लिए निकाल रहे, क्या बात है भाई, उनको निकालेंगे अमेरिका बोलेगा। अच्छा फिर इंडियन ने उस वक्त डॉलर के लिए इनको रखा था, जिस 10% या 1% भी रखा, इंडियन ने फिर इंडियन भी डॉलर के लिए रख रहे थे, साबित कर मैं क्यों रखेंगे, फिर उधर आ जाता है। अच्छे थे कोई इंडिया के हालात अच्छे थे उस वक्त, नहीं इंडिया के उस वक्त हालात अच्छे थे, तो मुझे साबित कर उस वक्त इंडिया के किस तरह के हालात को छोड़, जब अफगानी इधर आए थे मूव करके पाकिस्तान में, तू कह रहा है कि इंडियन को इंडियन ने भी रखा था, क्या इंडिया के हालात अच्छा थे उस वक्त, पूरी बस्ती हिस्ट्री उठा के देख उस वक्त इंडियन के हालात इस तरह के थे जो आज है, फिर भी रखे उन्होंने बांग्लादेशियों को, बांग्लादेशियों को रखे, जब बर्मा में बुरा वक्त आया है, बर्मा में पाकिस्तानी ने पनाह नहीं दी, कितने पाकिस्तानी ने पनाह नहीं दी, इंडिया ने दिया पनाह, तो किस भी वो दहशतगर्द हो गया बर्मा वाले, दहशतगर्द नहीं भाई साहब, पाकिस्तान ने तो डॉलर का पाकिस्तान बात क्या डॉलर के पीछे कह रहे जैसे भगोड़े भागते हैं, पाकिस्तान उनकी जान बख्शी, पाकिस्तान ने इज्जत रखा, बड़ी जान बख्शी उनकी, एक सदी पूरी गुजर गई इनको रखते हुए इधर, आप तो कह रहे हैं उनको आज निकाल क्यों रहे, उनकी नफरत जायज है भाई, उनकी नफरत जायज है, उनके हाथों में बंदूकें पकड़ाने वाले बंदूक, आज क्या बंदूकें नहीं पकड़ के बैठे हुए भाई साहब, नस्ल ये खराब कर दी है, खराब कर रही, इधर क्या ठेंगा लेने आए थे, दफा हो जाते अपनी कंट्री, मर जाते उधर, क्यों आए उस वक्त पाकिस्तान में, चले जाते इंडिया में फिर, सही है, उस वक्त टोटल के टोटल इंडिया में चले जाते तो मैं देख लेता, उनके नाम पर डॉलर तुम लोग खाओ, डॉलर तुम लोग खा रहे हो, 48 बिलियन डॉलर निकालो फिर, चंगा अच्छा निकालो, सबको निकालो, मैं कहता हूँ एक अफगानी को भी मुल्क में अपनी रहना चाहिए, टोटल के टोटल बगा दो, बर्दाश्त नहीं हो रहा, इनको निकालो यहाँ से, मैच की वजह से नहीं, मैच आ रहा है बर्दाश्त, मैच की मैच हारने की वजह नहीं, किसी पाकिस्तानी को, अच्छा मैच तो कल पाकिस्तान आ रहा है, ये एक महीना पहले की डेट है, उस वक्त ही हो गया था जब मैच में लड़े थे ना ये भाई, ऐसा कुछ भी नहीं, खुदा की कसम कोई क्रिकेट की पाकिस्तान को है ही नहीं, ये बात माने जाए, पाकिस्तान को क्रिकेट की वजह से अफगानियों को नहीं निकाला जा रहा, ये धमाके दहशतगर्दी से निकाला जा रहा है, बाकी सुन लो क्रिकेट की बात, क्रिकेट इनको सिखाई पाकिस्तान ने, पाकिस्तान की जब कैद आजम ट्रॉफी होती थी ना, आपको तो पता नहीं, गुलजार भाई को पता है, हर तारीख उठा कर देख लो, हर कैद आजम ट्रॉफी कराची में, फैसलाबाद में, लाहौर में जब भी होती थी, इन अफगानियों को पाकिस्तान खिलाता थी,
इंतजाम बेल हाउस बगैर पैसे के इनकी 3 साल ट्रेनिंग देता है। अफगानिस्तान में मुश्किल घड़ी में जब अमेरिका की हुकूमत थी, जब अमेरिका उधर दहशतगर्दी फैला रहा था, उस वक्त इंतजाम जाके क्रिकेट इनको सिखाता था। और इनको क्वालिफाई किसने करवाया, कौन इनको लेके आ गया, वो पाकिस्तान लेके आया। हार तो हम मान के बैठे हैं। पाकिस्तान से अच्छी क्रिकेट खेली अफगानिस्तान ने, बॉलिंग भी अच्छी की, बैटिंग भी अच्छी की, फील्डिंग भी अच्छी की। ये तस्लीम किया हमारे कैप्टन ने, तस्लीम किया उसने, खुद कहा है मेरी टीम से 100 गुना अच्छी अफगान टीम ने खेला है। अच्छा ये ना कुछ वर्ड बोल रहा था एहसान फरमोश है, तो भाई ये मैंने एहसान फरमोश की है जिनको इतनी बार ढक के आप अपने का इज्जत से कहा भाई आप अपने घर जाओ, अगर आपके मुल्क में एक प्रॉपर हुकूमत आ गई है आप अपने घर में अब जाओ। इसमें बुरा क्या है, किसी भी कंट्री में अगर होते ना इंडिया में किसी में इतने ज्यादा अफगानी बैठे होते तो सभी कंट्रियों ने ये कहना था, अगर इस तरह के हालात हो जाते हमारी जैसे तो उन्होंने भी यही बोलना था भाई अपने मुल्क में आप जाओ, आपकी हुकूमत प्रॉपर आ गई है, हमारे मुल्क में अच्छे हालात नहीं पहले जैसे, आप बहुत बुरे हालात है। लेकिन भाई तो मैं कोई बुराई नहीं इतना बोलूंगा कि जो जेन्युइन बंदे हैं, जो जिनका कोई जो जेन्युइन है उनको नहीं निकाल रहे, किसी एक बंदे को भी नहीं निकाल रहे, जिनकी 3-4 नस्लें चल गई है ना, जो कारोबार बिजनेस कर रहे हैं उनको किसी को भी भाई नहीं निकाल रहे, सिर्फ उनको निकाल रहे बॉर्डर की तरफ है जिनके ऊपर शक आ जाता था, जिनके नौजवान इस तरह की हरकतों में मुलव्वस थे या पाए गए या दरखास्त दी इस तरह करके। अफगानिस्तान की इस हालत के पीछे ना पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ है। अच्छा फिर क्या, अब ये मुल्क में नहीं रहेंगे, चाहे अमेरिका, चाहे अमेरिका का दादा परदादा भी बोल लेना, अब ये निकल गए अमेरिका भाई साहब, अभी भी औकात क्या अमेरिका की, अब औकात इसराइल के अंदर पता चलने की अमेरिका को, तो पाकिस्तान औकात का पाकिस्तान की तो पहले ही कुछ नहीं ना, इन्होंने अपनी खुद औकात अपनी खुद खत्म की, हमारी आर्मी ने की है, हमारी आर्मी फौज तो कहती है आर्मी, इसने हमारी औकात खुद खत्म की हुई है, खत्म समझ आई। तो अब अमेरिका की औकात देखिए इसराइल में, यहाँ अमेरिका की औकात देखिए यूक्रेन में, देखिए औकात क्या है, लग गया ना पता इनको अमेरिकन की औकात क्या है, पता चला ना उसने रशिया के दांत कटे, रशिया ने तो ट्रैक्टर ठोका इनको, दांत कटे। अब उसके मुल्क में 100 में से सिर्फ 10% आवाम रहेगी यूक्रेन में, बाकी भाग के बेचारे इस बेगैरत लड़की की वजह से, इस कमीने लड़की की कुर्सी की वजह से वो भाग के बेचारे मुल्क छोड़ के, कल यूनिवर्सिटी स्कूल में लड़की ने अपने आवाम को मराया, अब इसी तरह नितिनयाहू जो बेगैरत है वो अपने आवाम को मरवा रहा है, लॉस बच्चों को मरा रहा है, छोटे छोटे बच्चों को यकीन कर रहा है, ये नितर जाओ अपनी कुर्सी के लिए मरवा रहा है, वो मुजाहिदों को तो फतेह ही कोई, वो मर जाए उनका क्या लेना देना, वो तो शहादत के लिए निकले हुए, उनको कोई लेना देना नहीं, मेरी इकोनॉमी नीचे हो जाएगी, मेरी आर्मी मर जाएगी, मेरे पास असला किधर से आएगा, उनको कई कंट्रियां सपोर्ट करने वाली है, पैसा देने वाली है, उनको कुछ भी नहीं, मुजाहिद जब मर गया वो तो शहीद है, मर गया उनको क्या लेना देना, उनको कुछ नहीं लेना देना, तो 4 बिलियन डॉलर का मालक है, कोई मालक मुलक नहीं है, 6 बिलियन है, कोई मालक मुलक नहीं है, कुछ मालक चालक नहीं है, मालक चालक नहीं है, मुजाहिद नहीं रुकने वाले है, आए आगे मस्जिद अक्सा की तरफ, कोई उधर तो जाते नहीं, मस्जिद अक्सा दिखाए ना इधर, गाजा में मस्जिद अक्सा किधर आ गई, उनका हटाए नहीं गाजा की तरफ है, तो गाजा वाले को ले ले अंदर जाके फिर छीन ले, जिसका ऐलान किया था ले ले मस्जिद अक्सा की तरफ, तो उनका मेन मसला जो मेन है ना वो तो मस्जिद अक्सा ही है ना, शुरू से लेके जाओ नमाजियों को मानते थे ठुड्डों के साथ, अब जो है ना उधर, तो ठीक है भाई अपनी राय रूठता है कमेंट सेक्शन में, भाई साहब ये हुकूम कहता है कि भाई फलस्तीन की तरफ बोलता नहीं, उनके अपने लोगों के हालात बुरे हैं, उसने अपने लोगों के बोल दिया, तो यार मैं नहीं कह रहा फिक्र ये बुरा रहा है, अगर उन्होंने ये कहा चलो अपने मुल्क के लिए किया ठीक है, उनको दुख लगा, लेकिन ये फलस्तीन के लिए भी एक आवाज उठा लेते, जो डांस कर रहे थे ना इस मुश्किल की घड़ी में मुसलमानों के ऊपर बड़ा भारी वक्त है, ये डांस नहीं कर रहा था, खुशी है जीते आपको मुबारकबाद देते हैं, लेकिन ये राशिद खान टीम को लेकर भांगड़े डाल रहा था, और मोहम्मद अरफान भी एक मुसलमान है, इनको शर्म हया नहीं आ रही थी जब उधर बंदे बच्चे मार रहे थे, भंगड़े डाल रहे हैं, अच्छा। ये कोई वर्ल्ड कप तो नहीं जीत गए, ये इस तरह भंगड़े नहीं डाले थे, खुशी एंजॉय करते, लेकिन ये देखते उधर फलस्तीन में भी बच्चे कितने मारे जा रहे हैं, खुशी जरूर अपनी करते, अच्छा ये भी खुशी ना करते, वो इनका बहुत बड़ी खुशी, अच्छा इसराइल वालों के बच्चे नहीं है, उनके बच्चे नहीं है, तो क्या हमने उनकी खुशी मनाई उनके ऊपर, पाकिस्तान में किसी ने इसराइल के बच्चों पर खुशी
खुशी मनाई है। बच्चे दोनों तरफ से मर रहे हैं, किसी ने उनके बच्चों को पाकिस्तान पूरे में किसी ने इतना ही के बच्चों के ऊपर खुशी मनाई है। बता मुझे, बैठ जा, किसी अंकल ने कभी कहा वो मर गए तो हम खुश है? क्यों? कोई भी नहीं कहता। वो इंसान है, वो बेचारे हैं, वो नितिन गांव के गैरत के बच्चे नहीं है, वो आम इंसान के बच्चे हैं। ये नितिन गांव के बच्चे किधर है? वो बेगैरत के बच्चे तो अमेरिका में बैठे होंगे, उसको क्या है? वो तो चला जाता है किसी और कंट्री में बैठ जाता है। खुद नहीं बैठा, खुद नहीं बैठा, वो बेगैरत का बच्चा भाग जाता है अमेरिका में, वो यूरोप में चला जाता है, इधर नहीं बैठा, बैठा अभी भी बैठा है। तो ठीक है भाई, वो हमास वाले बैठे हुए, वो बेगैरत है, वो बेगैरत भाग जाता है जब कुछ हमास वाला भागा हुआ लीडर। हाँ, इधर कंजर का बच्चा बेगैरत है, कुर्सी का लाला जी बेगैरत को आवाम को मरवा रहा है। भाई साहब, जो इसराइल के अंदर बेगुनाह बच्चों को, माओ को, बहनों को, बुजुर्गों को मरवा रहा है, वो तो खुद बेगैरत है, अपने बच्चों को लेके आ जाए। मैं तुझे देख लिया, वो उसको भी बोल दे, लगे हमास वाले बोल, इतनी हिम्मत है तो बोल दे भाई। हमास वाले तो 70 साल से मार रहे हैं, उनका जुल्म सह रहे हैं। अच्छा, वो क्यों भागा हुआ है? वो 70 साल से, अच्छा, वो तो दूसरी कंट्रियों की तरफ भाग रहा है, हमारी मदद करो, अच्छा, हमारे साथ आओ। तो ये नहीं, वो इसीलिए कह रहे हैं, इनके ऊपर नहीं है। नहीं, ये तो जालिम है। अच्छा, सही है। इनके पास जितना पैसा है, जितनी टेक्नोलॉजी उनके पास है, कुछ सही है तो बता। हर लिहाज से स्ट्रॉन्ग है, आज जान के लिहाज में भी स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, एक पता है कि वो स्ट्रॉन्ग है तो उंगली क्यों लेते हो भाई? तो वो मारते क्यों पहले? क्या मार ही खाते ने सारी जिंदगी? चलो अभी अभी अब क्या ठेंगा चढ़ा, नीचे से ऊपर चढ़ा है उसको, अब चला रहे इसराइल को पता। अब तो औकात नजर आ गई नेतन्याहू को, एकड़ी निकल गई इसकी। चलो अभी देखते हैं क्या, आज कोई कंट्री है तो मदद करे इसराइल की, मैं देख लूंगा। ठीक है, तू देखेगा। तुम्हारा पाकिस्तान, तुम्हारा पाकिस्तान, पाकिस्तान भी खुल के बोला है, कोई नहीं बोला। तो बात करती है, ठोकर है मुसलमानों ने अभी इसराइलियों को। मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।